वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं चुरीसन डेजर्ट। अब वहाँ पे हमारे फ्रेंड हैं, उन्होंने वहाँ हमारे लिए फ़िश पार्टी अरेंज की है। तो आज हम आपको चुरीसन डेजर्ट की सैर करवाएंगे और आपको फ़िश पार्टी भी इंजॉय करवाएंगे। सो लेट्स एंजॉय द वीडियो। इन डेजर्ट ये बॉयज हैं हमारे साथ, ये शेख साहब हैं, से हाय। हाय। और वो पीछे शानी साहब खड़े हैं, से हाय। बग्गा साहब खड़े हैं, से हाय। मैं रह गया। और ये पीछे उस्मान साहब खड़े हैं, वो पीछे रह गए थे, से हाय। और ये हमारे पास, ये इन कार्स पे आए हैं किया पकांडो पे, और पीछे वो खड़ी है होंडा रिबॉन। आगे फर्दर हम जाएंगे तो फिर आपको डेजर्ट की राइड इंजॉय करवाते हैं। और ये चांद साहब रह गए थे, से हाय। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे ऊंट बैठे हुए हैं काफ़ी सारे। ये यहाँ के किंग होते हैं डेजर्ट में, जितना खुश डेजर्ट में रहते हैं ये उतना कहीं भी नहीं रहते। बड़ा पुरकशिश सा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, डेजर्ट है, सुकून है। और अभी वहाँ पे खाना तैयार हो रहा है, अभी हम थोड़ी देर तक वहाँ पे झील पे जाएंगे, तो झील से आगे फिर जो वहाँ की ब्यूटी होगी फिर वो आपको दिखाएंगे। तो दैट्स इट। सो यहाँ पे फूड की प्रिपरेशन तैयार है, ये आप देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। और ये जो हम मेन चीज़ खाने आए हैं वो ये है फ़िश। यहाँ पे उन्होंने नई रेसिपी डिस्कवर की है, बॉयल्ड राइस इज़ फ़िश। और जो है यहाँ पे उसका कुछ सिस्टम चल रहा है, ये नज़र नहीं आ रहा है कुछ, वो दिखाते हैं आपको बाद में। कोई बात नहीं, ठीक है। वो ओके, प्याज वगैरह फ्राई हुआ है। ये रायता बहुत स्पेशल है, ये स्प्राइट डाल के बनाया है। ये देखें कितना ये नजर आ रहा है आपको। और फाइनली फूड इज हियर, फूड यहाँ पे आ चुका है। तो सब इसको लास्ट में आपको रिव्यू देंगे इसका, तो हमें कैसा लगा। ये सब हमारे दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दस्तरखान की तबाही उतर गई है एक बार। ये आप नीचे कांडे छांडे मछली के देख सकते हैं। चांद साहब ने बहुत खाया है, ये बगे ने भी।
और ये सारे बंदे बैठे हैं अभी तक लगे हुए हैं, बाकी आधे बंदे उठ गए, आधे बंदे इस टाइम बैठे हुए हैं, बाकी बंदे पीछे रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं, ये खड़े हैं और लेके खा रहे हैं। भाई जान माल बहुत टेस्टी हुआ है, सेम वाले की मछली, क्या इसका टेस्ट था, आउटस्टैंडिंग, वेरी वेरी आउटस्टैंडिग। और हमारे सईद भाई ने इसको रात भी जो उनसे मैरिनेट कर दिया था, तो मसाला इसके अंदर रच बस गया है, तो जो भी ये टेस्ट दे रही है क्या बात है, बहुत मज़ा आया खा के। हाफ साहब का बहुत शुक्रिया, हाफ साहब की तरफ से दावत थी जी, ये हमने खाई है, एंजॉय किया है इसको, और बड़ा लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, माहौल को माहौल बड़ा खुशगवार है, इसको बैठे एंजॉय कर रहे हैं जी। तो व्यूअर्स हमने खाना खा लिया है, खाना बहुत आउटस्टैंडिंग था, यहाँ पे उन्होंने एक इनकी नई अपने रेसिपी इन्होंने डिस्कवर की है, बॉयल्ड राइस विद फिश। ये सेम नाले की मछली होती है, ये डेजर्ट में होती है, ये और कहीं नहीं मिलती। बहुत आउटस्टैंडिंग खाना था, बहुत लेवल का खाना था, हमें अब मतलब इन्जॉय हमने खाने को बहुत किया है। अभी हम जाएँगे आगे झील की तरफ, तो वहाँ का जाके फिर आपको वहाँ पर जाके उसका व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे आ चुके हैं झील पे, अब झील के पीछे व्यू देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है। आगे मैं जा नहीं सकता, यहाँ से आगे वो मड है, मड के मैं वो पाऊँ जिस एक तरह की ये दलदल है, दलदल के अंदर जाना जो है वो मुश्किल है। ये जो हमने मछली खाई है वैसे सेम नाले की है, सेम नाले का सारा पानी जमा हुआ किधर आता है, तो ये बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ पीछे, ये आप देख सकते हैं, और सारे बॉयज़ खड़े हैं पीछे, बॉयज़ वो कार्स खड़ी हैं। हालाँकि लोग यहाँ पर 4x4 पे आते हैं और हम यहाँ पर कार्स पर आए हैं।
चेक करें। सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई भजन। तो ये हमारे पास खड़ा है सेम वाला पानी, इसमें होती है मछलियाँ जो हमने पकड़ के खाई हैं और बहुत मज़ा आया हम लोगों को मसाले लगा लगा के, वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग। तो यह मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत सारी झील है, ये दलदल टाइप पानी होता है, मतलब ये हम पहला पानी पे खड़े हैं ठीक है, तो उसके बाद दूसरा पानी, तीसरा पानी, चौथा पानी, सातवें पानी के बाद जो है ना वो मतलब आगे इंडिया का बॉर्डर आ जाएगा ठीक है। तो मतलब ऐसे हम आगे जा देंगे, एट दिस टाइम हमारे पास गाड़ियाँ हैं तो वो आगे जा नहीं सकती, तो हम यहाँ तक मैक्सिमम पहुँच सकते हैं, तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं खाना खाना खा के इंजॉय करके। तो इंशाल्लाह ताला अगर हमारे पास किसी टाइम पे जीप्स वगैरह आई तो हम लोग आगे इंशाल्लाह ताला ज़रूर जाएंगे। तो आप व्यू पीछे देख सकते हैं बहुत खूबसूरत, वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग, कमाल की ब्यूटी। और चोलिस्तान का यू नो के स्वैग अपना ही है, और इसका सुकून, इसका सन्नाटा और इसकी खूबसूरती ठीक है, बहुत मस्त है। ये पीछे बॉयज़ लगे हुए हैं अपने अपने इंजॉय के लिए, तो यू कैन सी दैट ये झाड़ियाँ हैं फुल टाइम, तो मतलब ये ऐसी आगे जाती हैं क्योंकि ये दलदल बनाई हुई है, अभी कोई बंदा भी यहाँ पे मतलब इजीली क्रॉस ना कर सके। तो ये सारे सीन्स हैं ऑल टू ऑल, इंशाल्लाह ताला जब आगे गए तो आपको मज़ीद आगे की वीडियो भी दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये देखें यहाँ पे बॉयज़ खड़े हैं सब, इन्होंने फ़ोटोज़ ले लिए हैं यहाँ पे, फ़ोटोज़ के बाद देखें सब रिलैक्स होकर खड़े हैं अभी यहाँ पे, 5 मिनट इन्जॉय करेंगे, इन्जॉय करने के बाद फिर वापस हम जाएंगे यहाँ से। बस हो गया, हो गया, हेलो हेलो हो गया बस। तो वीर जो लोग यहाँ पे कैंपिंग के लिए आते हैं 2-3 दिन स्टे के लिए, वो लंबा प्रोसेस होता है, कैंपिंग चाहिए उसके लिए आपको जीप्स चाहिए और कम से कम 100-150 लीटर आपको फ्यूल चाहिए, जो कि दिन टाइम आप तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते यहाँ पे। मीन्स कितनी गर्मी होती है यहाँ पे कि आप खड़े नहीं हो सकते, आपको क्या आपको गाड़ी में बैठना पड़ेगा। अभी हम दोपहर टाइम में आए थे, वहाँ में गर्मी लग रही थी, अभी हम तकरीबन चार साढ़े चार हो रहे हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे इस टाइम ठंड हो रही है और हवा चल पड़ी है यहाँ पे, तो इस अभी हम खुद हम गाड़ियों में इस टाइम हमारे हीटर चल रहा है, रात को यहाँ पर बहुत ठंड हो जाती है। तो अभी अभी तो हम यहाँ पर कुछ पार्टी के लिए आए थे, अगर हम यहाँ से आगे जा नहीं सकते झील से आगे, वहाँ पर बॉर्डर आगे इस तरह की 7 झीलें हैं आगे, जिसको 7 रंग आई थिंक ऐसा कुछ कहते हैं, आगे उससे जाके फिर इंडिया का बॉर्डर है। अगर इस तरफ जाएं तो वहाँ गटबरी झील है, गटबरी झील के वहाँ पे भी बॉर्डर है, सारा आगे इंडिया का बॉर्डर लगता है यहाँ पे। ये गाड़ियों की हदूद यहाँ तक ही, गाड़ियाँ यहाँ तक ही आ सकती हैं, तो इससे आगे गाड़ियाँ नहीं जा सकती, आगे जीप्स चाहिए, वो उसका ट्रैक डिफरेंट है। तो ये जो मेरे पीछे आप झील देख रहे हैं, झील से आगे वो एक टिब्बा देख रहे हैं, टिब्बे के आगे भी झील है, उसके आगे टिब्बा है, फिर झील है, टिब्बा है, फिर झील है, फिर आगे जाके बॉर्डर लगता है। मेरी निकल जानी है।